आज पीपल फार्म के किचन से हम आपके साथ एक स्पाइसी रेसिपी शेयर करने वाले हैं, पर इससे पहले मैं आपको रेसिपी बताऊं, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि आज हम पीपल फार्म के किचन में नहीं हैं, आज हम फार्म के अंदर गार्डन में हैं और मैंगो ट्री के नीचे ये शूट हो रहा है। तो मैंने सोचा मैं आपको बताऊं कि हम बाहर क्यों शूट कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये जो रेसिपी है इसमें हम मैंगोज़ का भी यूज़ कर रहे हैं। तो खैर, जो सालसा जो वर्ड है वो एक स्पैनिश वर्ड है, इसका मतलब है चटनी। और जो ये चटनी होती है इसमें हम प्राइमरीली टमेटोज का यूज़ करते हैं और फ्रेश ग्रीन चिलीज़ का यूज़ करते हैं, पर इसे सीजनल टच देने के लिए आज हमने फ्रेश राइप मैंगोज़ यूज़ करे हैं। तो चलिए देखते हैं ये मैंगो सालसा रेसिपी बनाते कैसे हैं। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक बड़ा पका हुआ आम। इस आम को पहले आप छील लीजिए और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। दो प्याज लीजिए और उसको भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। नेक्स्ट जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो है टमाटर। अब इस बात का ध्यान रखिए कि जो आप टमाटर ले रहे हैं वो पूरी तरह से पके हुए हों। जितने पके होंगे आपकी सालसा उतनी ही जूसी बनेगी। एक मिर्ची और थोड़ा सा धनिया भी आप बारीक बारीक काट लीजिए। अब ये जितने भी कटे हुए इंग्रेडिएंट्स हैं आप उसे बोल में डाल दीजिए। स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक और पिसी हुई काली मिर्च भी इस बोल में डाल दीजिए। फिर इसमें आधे नींबू का रस डालिए और एक चम्मच से इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से हिला लीजिए। कम से कम 1 से 2 मिनट तक इन सबको हिलाइए। आप देखेंगे कि इसके जूसेस बोल में आ गए हैं, यानी कि आपकी सालसा बनके तैयार हो गई है। इस चटपटी स्पाइसी सालसा को आप नाचो चिप्स के साथ एज स्नैक सर्व कर सकते हैं, या इसको आप सैलेड के तौर पे भी खा सकते हैं।